फेस्टिवल है उसके बारे में बताइए और आप कितनी बड़ी फूडी गए, थोड़ा उस बारे में बताइए कौन सा फूड आपको सबसे ज्यादा पसंद है। मुझे देसी खाना सबसे अच्छा लगता है, राजमा चावल, करी, चिकन, बटर चिकन, बिल्कुल जो स्टेपल नॉर्थ इंडियन डाइट होता है मुझे ये सब बहुत पसंद है। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हैविंग बोथ नॉन वेज एंड वेजिटेरियन क्विजीन। एंड फूड फेस्टिवल है, रैन होटल्स अभी इनॉग्रेट हुआ है इस साल ही, तो आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। उनको बहुत बहुत बधाई हो एंड उनके ऐसे बहुत सारे चेन्स और खुले हिंदुस्तान में, यही मेरी इच्छा है। और जो है निहारिका को ऑन बोर्ड लाने का प्लान किसका था, थोड़ा बताइए उस बारे में, और बाय निहारिका। वी मीन निहारिका द आइडिया ऑफ निहारिका जी को लेके आने का वॉज थ्रू वन ऑफ अ कॉमन फ्रेंड एंड आई थिंक शी इज़ द मोस्ट एप्ट ब्रांड एम्बेसिडर फॉर आवर होटल। शी इज़ अ वेरी यंग एंटरप्राइजिंग लेडी एंड वी ऑल्सो एस्पायर टू बी लाइक वी आर ऑल्सो यंग कंपनी एंड वी एस्पायर लाइक आई लाइक दैट वेरी नाइस। या बहुत सारे फूड फेस्टिवल होते हैं, हम लोग बॉम्बे में भी काफ़ी सारे फूड फेस्टिवल कर चुके हैं बट ये होटल हमने रिसेंटली लिया हुआ है, 1st of January से हमने होटल एक्वायर किया हुआ है। हम चाहते थे कि नासिक के मतलब नासिक के लोग हमारे मतलब ग्लोबल फूड फ्यूजन फूड फेस्टिवल में मतलब उनको मतलब इंट्रैक्शन मतलब दे गेट यूज टू द फूड हियर, तो ये रीज़न था हमारा मतलब नासिक में फूड फेस्टिवल लेके आने का। तो मेरा एक सवाल है कि नासिक में खाना अलग है क्या मुंबई से? नहीं बिल्कुल, नासिक का है बेटर, नासिक का खाना बेटर है, बेटर है एंड लोकल स्ट्रीट फूड इज वेरी गुड, लेकिन हम लेके आ रहे दुनिया का खाना यहाँ पे, इट्स नॉट जस्ट स्पेसिफिक पार्ट ऑफ इंडिया बट फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, ओरिएंटल कॉन्टिनेंटल फूड, सी फूड स्पेशली, ये सारे हम नासिक में लेके आ रहे हैं। और क्योंकि ये यहाँ पे वाइन्स अच्छी बनती हैं मैंने सुना है, तो डू यू हैव अ लार्ज सिलेक्शन ऑफ वाइन्स? वी आर अ ह्यूज collection of wine and the best cuisine to match up with the wine would be your seafood and this would be one of the best restaurants hotels to serve seafood in Nasik. Very nice. What is your favorite food with wine, really specific? So I would like to say that I am a teetotaler, however I come from a country where there are a lot of vineyards as well, Luxembourg, and so we know about wine but I've never actually tasted, but you know, for that matter, one day I should actually wine taste, you know, that I should put on my bucket list. And so I've never drunk wine, so I don't know what food would be good with it, but I'm sure I shouldn't say it actually. No, you should. Okay, apart from the thing I want to say, I won't say it in India, but I can say it abroad. I like fish, so good fish. So you're the right place. Yeah. So thoda sa agar aap festival ke baare mein agar bata sahe apne media friends ke liye, to thoda kya brief thoda sa unke liye agar aap karte thoda brief. This ye festival 22nd, 23rd, 24th ko hai in hamare is hotel mein. इट विल बी रनिंग टू द तीन वेन्यूज़ में चल रहे हैं, एक नीचे कॉफ़ी शॉप में चल रहा है, नीचे यहाँ पे मेजेस्टिक में चल रहा है एंड एक स्पाइस गार्डन करके हमारा एक स्पेशलिटी रेस्टोरेंट है टेरेस में, वहाँ पे भी है। तो ये फेस्टिवल है सुबह दिन में 12 से 3, शाम को 7 से 11, ये ऐसा फ्राइडे सैटरडे संडे। अदर देन दिस हमारे पास बहुत सारे अच्छे मतलब एंटरटेनमेंट है, जैसा वी हैव डांसर्स कमिंग इन फ्रॉम बॉम्बे, देन हमारे पास वी हैव लॉट ऑफ फन फिल्ड गेम्स जो मतलब जो आपके मतलब फैमिलीज को इट विल कीप देम वेरी एंगेज्ड। वी हैव लाइव म्यूजिक एज़ वेल, वी लाइव म्यूजिक एज़ वेल। I know, मैं हाँ मैं ही खुद सारे रिव्यूज़ पढ़ रही हूँ, तो इट्स अ वेरी बिग फिल्म फॉर इंद्र कुमार एंड फॉर द टीम बट स्पेशली फॉर इंद्र कुमार, सो आई रियली होप दैट द टोटल धमाल टीम एक्चुअली क्रिएट्स टोटल धमाल ऑन द बॉक्स ऑफिस। तो ये 3 दिन हैं, जैसे कि ये 3 दिन फूड फेस्टिवल के हैं, ये टोटल धमाल के लिए भी 3 दिन बहुत महत्वपूर्ण है एंड आई रियली होप वी कैन मेक अ ह्यूज कलेक्शन एंड इस साल की बहुत बड़ी फिल्म। Yeah, I've seen one, a couple of films, I believe. There was only 2 of them. So yeah, they were really nice. Yeah. Dhamal 1 was amazing.
And Dhamal 2 was also good, double Dhamal. Yeah, but I think the Dhamal 1 was really the best one. Yeah. No, don't say that. You haven't seen Total Dhamal yet. Please see Total Dhamal and then say that. मैं नासिक के बारे में एक चीज़ बोलना चाहूँगी. थोड़ा मतलब इट वॉज काइंड ऑफ सैड फॉर मी, बट पहली बार मैं आई थी तो मैं साईं बाबा के मंदिर पे आना चाहती थी, लेकिन मैं कभी पहुंच ही नहीं पाई क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हुआ था और मुझे कहा गया था कि बुलावा आता है. तो बुलावा आया है इस दिन. कैन यू इमेजिन, मतलब मैं आई थी यहाँ पे, मेरा पूरा प्लान था, पूरा विजिट प्लान था नासिक का, और उस दिन ही मतलब महाराष्ट्र मुंबई से छोड़ते छोड़ते ही मेरा कार का एक्सीडेंट हो गया और आज मैं आ गई और मैं इतनी खुश हूँ कि मैं यहाँ हूँ. और मैंने अपने आप को कहा कि देखो आज मेरी पिक्चर का रिलीज़ है, आज इनका फूड फेस्टिवल का ओपनिंग है और रेन होटल्स का इनॉग्रेशन है, इतनी सारी चीज़ें हैं आज. सो इट्स अ वेरी पॉजिटिव डे फॉर मी. मैं ये दिन कभी नहीं भूल पाऊँगी रियली. फूड फेस्टिवल में किस किस तरह के फूड रखे हैं आपने, क्या क्या है, और शेफ के बारे में आप थोड़ा सा जानकारी. राइट. सो ये फूड फेस्टिवल में वी हैव इंडियन फूड, मुगलाई फूड है, लोकल महाराष्ट्रियन फूड है, सी फूड है. सी फूड का बहुत बड़ा मतलब काफ़ी स्प्रेड है स्पेस सी फूड का. देन चाइनीज है, थाई है. Would you like to put some more light, Sundar Ajit? Yeah, so basically हर part India का we have chosen और उसका हर एक अच्छे अच्छे dish लिए हैं हमने. ऐसे specifically नहीं है कि सिर्फ south के लिए, हमने north के भी लिए है, you know, every part से लिया हुआ है. We have a celebrity chef Das with us, who is a celebrity chef in Bombay. He has worked with ITC hotels and he is here to help us. बिल्कुल बिल्कुल. हम लोग यहाँ से लेकर के ये फूड फेस्टिवल का सक्सेस ये मेजर कर करके हम चाहते हैं कि मतलब हम यहाँ के मतलब जो लोकल कुजीन है नासिक का, ये हम लेकर के बॉम्बे चले, दिल्ली चले, और यहाँ के जो लोकल हाउसवाइफ्स है, जो लोग जो लोकल कुजीन बनाते हैं, हम उनके साथ हम उनको वहाँ के फूड फेस्टिवल पे पार्टिसिपेट करवाएं. क्या किसी को यहाँ पे आपने इनवाइट किया है, जो भी मतलब थोड़े से जो लोग हैं या फिर कोई जैसे हम यहाँ के मतलब काफ़ी बड़े मतलब अच्छे सेलिब्रिटीज़ सारे मतलब पॉलिटिशियंस को हमने इन्वाइट किया हुआ है. ये लोग अगले दो दिनों में मतलब हमारे साथ रहेंगे इवनिंग्स में. सो सारा मतलब काफ़ी मतलब देर काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट लोग जो नासिक के सारे इम्पोर्टेंट लोग से उनको इन्वाइट हुआ है. और रेन का यूएसपी क्या है सर? जैसे सर ने कहा कि फर्स्ट ऑफ जैन को टेक ओवर किया है, फूड के मामले में बात करें या फिर हॉस्पिटैलिटी के बारे में बात करें, तो क्या यूएसपी होने वाली है रेन? रेन ग्रुप जो है वो एक यंग होटल ग्रुप है. यहाँ पे मतलब जो जैसा मतलब एक टिपिकल होटल हुआ करता था, जैसे आप मतलब बड़े फाइशस, ये इस तरह की एक नहीं, ये यंग होटल ग्रुप है. यहाँ पे सारा मतलब जो चेक इन एक्सपीरियंस है, फूड एक्सपीरियंस है, ये सारा कुछ डिफरेंट है. ये टिपिकल वो मतलब स्टीरियोटाइप होटल्स नहीं है, ये थोड़ा सा फ्यूजन होटल है. सिटी इज़ वेरी पोटेंशियल, बहुत पोटेंशियल है. हम मतलब हम वी डिडंट नो कि मतलब इतना ये मतलब पोटेंशियल हो सकता है. आफ्टर वी रियलाइज हम इट हैज़ बीन अ ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस टिल नाउ. वो कभी ट्राई किया अगर कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे उस चीज़ का, या फिर मेरा फेवरेट है दाबेली और मिसल पाव. तो ये चीज़ें मैंने बहुत खाई है. मैंने यहाँ की भीलपुरी, यहाँ का जो भी चटपटा है, मैंने बहुत खाया अपने दोस्तों के साथ. लेकिन दाबेली मेरा फेवरेट है और मिसल पाव भी अच्छा है, इट्स वेरी गुड. तो यहाँ का खाएंगे. मैं जब भी किसी नई जगह पे जाती हूँ तो ऑब्वियसली यहाँ पे तो फूड फेस्टिवल में मुझे सब कुछ खाने को मिलेगा, तो आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट द टेस्टिंग इसके बाद. तो आई होप मिसल पाव वुड बी वेरी टेस्टी एंड आई विल टेल यू आफ्टर द टेस्टिंग कि वो मुंबई से अलग है कि नहीं अलग है. जैसे आपने कहा कि खाना तो फेवरेट है आपका, साथ ही आपने कभी प्रिपेयर करने के लिए ट्राई किया, मतलब उसको बनाने के लिए कभी ट्राई किया अपने मिसल पाव? मैं
आप लोगों को मुझे रेसिपीज नासिक के महाराष्ट्र के देने होंगे क्योंकि मैं नॉर्थ इंडियन हूँ और मैं आई कैन कुक नॉर्थ इंडियन फूड पर आई कैन नॉट कुक महाराष्ट्र वेट घट रहा है क्योंकि वो सारे डायरेक्टर लोग कहते हैं कि स्क्रीन का वजन आप सोचिए नॉट रियल लाइफ में वजन तो अभी स्क्रीन के लिए अभी क्या करें पतला ही रहना पड़ता है नहीं वही तो मुझे वहाँ विजिट करना है वाइनयार्ड्स पूरे विनयार्ड्स देखने हैं मुझे यहाँ के क्योंकि मेरा कंपैरिजन नासिक के विनयार्ड्स फ्रांस और बेल्जियम और लक्समबर्ग के विनयार्ड्स के साथ होगा हमारे लक्समबर्ग से जब हम एक जर्मनी एक जगह कोलोन पे जाते हैं तो दोनों तरफ पे आपको विनयार्ड्स देखते हैं इट्स सो ब्यूटिफुल मेरी मम्मी वो कहती है इट्स द वाइन ड्राइव तो अगर नासिक में ऐसा कुछ है आई वॉन्ट टू सी इट क्योंकि आई हैव नेवर सीन इट और मुझे सिर्फ यही बोला गया है कि नासिक इज़ फेमस फॉर दिस सो आई रियली वॉन्ट टू सी इट सो आई होप आई कैन सी इट यू नो लाइक आई रियली वॉन्ट टू ऑर्गेनाइज दैट तो नासिक का वाइन ड्राइव दिखा दो मुझे अगर कोई है तो Okay, we'll talk about that. Pata chale Nasik is of all the vegetables plus we have some potatoes and which are not much spicy and this thing and less of masalas. So can try this? Yes, please. Today I'm going to be a food scientist, not a medical scientist. आज मैं यही रह जाती हूँ देखना तो लोगों को पिक्चर एंड इट्स लाइट सो आई मीन ऐसे दो तीन सालों पता नहीं चलेगा for you. Okay, so I want to ask you one more thing, ma'am, that have you ever cooked at your place? Have you ever cooked for yourself? Yes, I do cook. My mother, my grandmother, they're all very good at cooking and I think it is expected in our family that the girls unke haathon mein khane ka jaadu hai. Exactly, I have got that. That I can't guarantee, but kyunki hai hamare khandan mein, so hum zarur try karenge. Very tasty. जो फूड फेस्टिवल है यहाँ पे बस एक टाइप के फूड्स तो है नहीं वी हैव मेनी काइंड ऑफ फूड्स सो